नमस्कार। हमने इससे पहले सामाजिक संस्थाएं यानी सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, ये सभी समझा है। आज हम मैकाइवर एवं पेज का एक सेंटेंस है, कथन है कि वी बिलोंग्स टू एसोसिएशन नॉट टू इंस्टीट्यूशन। तो हम समिति के सदस्य हैं ना कि संस्था के। तो इस कथन से उनका क्या मतलब था, ये हम आज समझते हैं। इस कथन को हम दो शब्द के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, एक मूर्त टेंजिबल और एक अमूर्त इनटेंजिबल। टेंजिबल से मतलब है कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब अमूर्त का मतलब होता है जिन्हें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनके भौतिक रूप से हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो है इनटेंजिबल। तो इन दो शब्दों के द्वारा हम इस सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि पहले हम समिति की बात करते हैं कि समिति एक मूर्त समिति हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि समिति व्यक्तियों का एक संगठन है, उस व्यक्तियों से मिलकर समिति बनता है, इसलिए उसको हम मूर्त बोलते हैं। और व्यक्ति इसी व्यक्तियों के समूह का ही सदस्य हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम संस्था की बात करें तो संस्था का जो कार्य संचालन होता है उसके लिए हम रूल्स बनाते हैं, मतलब नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वैल्यूज़, मूल्य, प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, कार्य प्रणालियाँ होती हैं, वर्किंग कंडीशंस होती हैं, उनके सिस्टम होता है एक, इन सभी से मिलकर संस्था बनता है। और जाहिर सी बात है कि हम रूल्स के, वैल्यूज़ के और कार्य प्रणालियों के, प्रोसेस के सदस्य नहीं हो सकते, हम व्यक्तियों के समूह के सदस्य हो सकते हैं। इस वजह से मैकाइवर एवं पेज का ये कहना है कि हम समिति के सदस्य होते हैं ना कि संस्था के। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक उदाहरण एग्जाम्पल के रूप ले सकते हैं, जैसे हम स्कूल की बात करें या महाविद्यालय की बात करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जो कोई महाविद्यालय होता है, अगर हम उसको समिति के रूप में देखें तो उसमें स्टूडेंट्स होते हैं, प्रचार होते हैं, टीचर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। तो इन ये सभी एक मूर्त रूप में हम देख सकते हैं, इनके संगठन को हम समिति के रूप में देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम उसके कार्य संचालन के लिए रूल्स बनाते हैं, स्कूल के या महाविद्यालय के रूल्स बनाते हैं, परीक्षा किस तरीके से लेना है, मतलब परीक्षा का एग्ज़ाम का सिस्टम एक डेवलप करते हैं और वर्किंग कंडीशंस डेवलप करते हैं, एक टाइम टेबल डेवलप करते हैं, तो वो एक संस्था का रूप ग्रहण कर लेता है। इसी के अनुसार ये तो बात हो गई महाविद्यालय या स्कूल के अनुसार स्कूल, इसी तरीके से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे परिवार हो गई, जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं, स्वास्थ्य की संस्थाएं होती हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उन सभी के यही होता है कि अगर वो जब कलेक्शन है कुछ व्यक्तियों का तो वो समिति है, और जब उसके कार्य संचालन के लिए जब उसमें रूल्स डेवलप किए जाते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, प्रोसेस होती है, तब वो एक संस्था का रूप ले लेती हैं। तो मैकाइवर एवं पेज ने इस कथन से उनका यही था विचार था कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।